हेलो मूवियंस, वेलकम टू ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ ESV शॉर्ट्स। तो आज मैं आपको सेंट्रल इंटेलिजेंस इस फिल्म की स्टोरी बताने वाला हूँ। इस फिल्म में एक आदमी को 20 साल बाद उसके कॉलेज का एक दोस्त कांटेक्ट करता है। वो लोग एंजॉय करते हैं, लेकिन दूसरे दिन उस आदमी के पीछे CIA लग जाती है और उसके दोस्त को पकड़ना चाहती है। तो अब उसके दोस्त ने ऐसा क्या किया कि CIA उसके पीछे लगी है और उसे पकड़ना चाहती है, तो ये सब जानने के लिए आप ये वीडियो स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा देखिए। तो हमें फिल्म की शुरुआत में एक कॉलेज का सीन दिखाया जाता है। उधर कॉलेज के एक बाथरूम में एक मोटा लड़का नहा रहा होता है। कुछ बदमाश बच्चे आते हैं और उस मोटे लड़के को ऑडिटोरियम में लेके जाते हैं। ऑडिटोरियम में कॉलेज के सारे बच्चे होते हैं। वो मोटे लड़के के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं होता, तो कैल्विन नाम का एक लड़का होता है, वो उस मोटे लड़के की मदद करता है और उसे अपना जैकेट देता है। कैल्विन उस कॉलेज का सबसे ज़्यादा पॉपुलर और सक्सेसफुल लड़का होता है। उसके नाम कई सारे गोल्ड मेडल्स होते हैं। सबके हिसाब से कैल्विन आगे जाके बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेसमैन बनने वाला है। कैल्विन कॉलेज के सबसे ज़्यादा पॉपुलर और ब्यूटीफुल लड़की से शादी करता है। फिर इसके बाद हमें 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि कैल्विन जो है वो एक नॉर्मल अकाउंटेंट की जॉब कर रहा है। उसे अपने जॉब से बहुत ज़्यादा नफरत है, उसे उसके जॉब में कोई रिस्पेक्ट नहीं करता। दूसरों को प्रमोशन मिल जाती है, लेकिन कैल्विन को प्रमोशन नहीं मिल पाती। और उसकी जो वाइफ है उसकी जॉब बहुत ही अच्छी होती है, वो खुद की कंपनी में पार्टनर होती है। उसकी वाइफ उसे बताती है कि उनका एक कॉलेज का रियूनियन आने वाला है, जिसमें 20 साल बाद सारे दोस्त मिलने वाले हैं, लेकिन कैल्विन उधर नहीं जाना चाहता। कैल्विन के हिसाब से जब वो उधर जाएगा तब सब लोग उसे पूछेंगे कि वो क्या कर रहा है। तब कैल्विन बताएगा कि वो नॉर्मल अकाउंटेंट है, तो सब लोग उसकी उड़ाएंगे, इसलिए कैल्विन उधर नहीं जाना चाहता। उसकी वाइफ भी ये सब सुन के उसे किसी साइकेट्रिस्ट से मिलने के लिए सलाह देती है। कैल्विन उधर से चला जाता है। जब वो ऑफिस में होता है तब उसे एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है। फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करने वाला कोई बॉब स्टोन नाम का आदमी होता है। कैल्विन उसे नहीं पहचानता, लेकिन जब चैटिंग करते हैं तब कैल्विन को पता चलता है कि जो बॉब स्टोन है वो वही मोटा लड़का है जिसको स्टार्टिंग के सीन में दिखाया था। फिर वो एक बार में मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। जब कैल्विन बॉब को देखता है तब वो पूरी तरह शॉक हो जाता है, क्योंकि जो बॉब है वो पूरी तरह फिट हो चुका है। पहले वो बहुत मोटा हुआ करता था, अभी पतला हो जाता है और बहुत ही अच्छी बॉडी होती है उसकी। इसका राज जब कैल्विन पूछता है तब बॉब बताता है कि उसने हर रोज 6 घंटे 20 सालों तक एक्सरसाइज की है। इसके बाद एक आदमी के साथ कैल्विन का पंगा हो जाता है, तो बॉब अच्छे से फाइटिंग करता है और जो बुरे आदमी है उनको मजा चकाता है। कैल्विन बॉब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है, क्योंकि कॉलेज के दोनों में जो बॉब था वो पूरी तरीके से एक लूज़र था, उसके कोई भी दोस्त नहीं थे और वो सबसे डरा करता था, लेकिन अब वो बुरे लोगों से लड़ता भी है और उसकी अच्छी बॉडी भी है। बॉब बताता है कि कैल्विन को कॉलेज में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट थी। इसके बाद वो अच्छे से रात गुजारते हैं, बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और फिर बॉब अपने बाइक पे कैल्विन को बिठा के उसके घर छोड़ देता है। जाते वक्त बॉब कैल्विन को बताता है कि उसके पेमेंट्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और क्योंकि कैल्विन एक अकाउंटेंट है इसलिए वो उसे सॉल्व कर सकता है। कैल्विन मान जाता है। बॉब एक वेबसाइट बताता है, वो वेबसाइट कोई इलीगल वेबसाइट होती है और उधर कुछ नंबर्स वगैरह होते हैं और कुछ डील होने वाली होती है। इसके पहले कि कैल्विन उस वेबसाइट का कुछ समझ पाए, बॉब ऐसे दिखाता है कि उसने गलती से पानी गिराया उसके लैपटॉप पे और उसका लैपटॉप खराब हो जाता है। कैल्विन उसे कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लेता। बॉब बोलता है कि उसे उसी के घर में सोना है। कैल्विन मान जाता है। जब सुबह होती है तब कैल्विन के घर में CIA के एजेंट्स आते हैं। कैल्विन देखते हैं कि जो बॉब है वो उसके घर में नहीं है। CIA बताती है कि बॉब के सिर पे मर्डर और टेररिस्ट चार्जेस है। CIA कैल्विन के साथ उसके ऑफिस जाती है, क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि जो बॉब है वो कैल्विन को ज़रूर कांटेक्ट करेगा, क्योंकि बॉब का कैल्विन के अलावा और कोई दोस्त नहीं है। बॉब कैल्विन को कांटेक्ट करता है और उसे ऐसा बताता है कि वो ग्राउंड पे है। सब CIA के एजेंट्स ग्राउंड फ्लोर पे जाते हैं, लेकिन बॉब एक्चुअली कैल्विन के ऑफिस के डोर के पीछे ही छुपा होता है। इसके बाद कैल्विन चिल्लाता है कि उसे बॉब के साथ नहीं रहना, लेकिन बॉब बोलता है कि वो उसका सच्चा दोस्त है और उसने कोई भी क्राइम नहीं किया। इसके बाद बॉब कैल्विन के मोबाइल से एक उबर बुलाता है और उसकी टायर लेता है और उसे जलाना शुरू करता है और उसे फायर अलार्म्स के पास लगाता है। तभी CIA के एजेंट्स को पता चलता है कि उन्हें बेवकूफ बनाया गया और वो ऊपर आते हैं। गन फायरिंग होती है और तभी करेक्ट मोमेंट पे जो फायर अलार्म्स है वो बजने लगते हैं, क्योंकि बॉब ने कैल्विन की टायर उधर जलाने के लिए रखी थी। वो उधर से भाग जाते हैं और जो उबर उन्हें बुलाई थी उस उबर में बैठ के निकल जाते हैं। बॉब बताते हैं कि उसने कोई भी मर्डर नहीं किया और वो कोई टेररिस्ट भी नहीं है। बॉब बताता है कि वो और उसका जो कलीग था वो CIA में काम करते थे
और वो ब्लैक बैजर नाम के एक टेररिस्ट के पीछे थे। ब्लैक बैजर सैटेलाइट कोड्स का डीलर था। वो कोड्स अगर किसी के हाथ लग जाए तो वो कंट्री के सैटेलाइट्स को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब वो ब्लैक बैजर के आइडेंटिटी तक पहुंचने वाले थे तब उसका जो कलीग था उसकी डेथ हो गई, यानी उसको ब्लैक बैजर ने मार दिया और जो चार्जेस थे मर्डर के वो सब बॉब के सिर पे लगा दिए और सबको लगता है कि बॉब ही ब्लैक बैजर है। फिर इसी के बाद जो कैल्विन है वो उधर से भाग जाता है, यानी वो बॉब की चंगुल से भाग जाता है। वो अपने वाइफ को कॉल करता है, वो अपने वाइफ को इस सब के बारे में नहीं बताता। वो वाइफ को बोलता है कि वो अब साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए तैयार है। जब वो साइकेट्रिस्ट के पास जाता है तब वो देखता है कि बॉब ही साइकेट्रिस्ट है, यानी बॉब ने कैल्विन का पीछा किया है। वो अपने वाइफ को बताता है कि जो बॉब है वो साइकेट्रिस्ट नहीं है और वो एक CIA का एजेंट है। लेकिन उसकी वाइफ को लगता है कि उसका पति पूरी तरीके से पागल हो चुका है और वो गुस्से में उधर से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि जो बॉब है उसने जो रियल डॉक्टर है उसको एक दरवाजे के पीछे बंद करके रखा है। बॉब कैल्विन को बताता है कि वो उसका सच्चा दोस्त है और उसे उसकी मदद करनी होगी, और वो जो भी बोल रहा है वो सब सच बोल रहा है। इसके बाद बॉब और कैल्विन एक प्लेन चुराने के लिए चले जाते हैं। और अब इस मूवी में बहुत सारी इलॉजिकल चीज़ें हो रही है, तो अब आप इतना मत सोचिए क्योंकि ये कॉमेडी फिल्म है और इसमें कॉमेडी के लिए कई सारे ऐसी आलतू फालतू चीज़ें दी है। ठीक है, तो मैं स्टोरी पे आगे बढ़ता हूँ। इसके बाद बॉब कैल्विन को फिर से वो वेबसाइट खोलने के लिए कहता है। इस बार कैल्विन समझ जाता है कि वो वेबसाइट एक्चुअली एक डीलिंग वेबसाइट है और उस पर जो ब्लैक बैजर है वो डीलिंग करने वाला है और जो लोकेशन है वो उधर दिखाने वाली है। कैल्विन उस लोकेशन को डिकोड कर लेता है और उसे पता चल जाता है कि वो किधर डीलिंग करने वाले हैं। कैल्विन बिल्डिंग के बाहर रुकता है और बॉब अंदर जाता है जिधर डीलिंग होने वाली होती है। टेररिस्ट उधर आ जाते हैं। बॉब टेररिस्ट को बोलता है कि वही ब्लैक बैजर है और उसके पास एक पेनड्राइव है जिसमें बहुत सारे कोड्स है जिससे वो सैटेलाइट को कंट्रोल कर सकते हैं। तभी बॉब का जो पुराना पार्टनर था जिसे हमने मारा हुआ सोच लिया था वो उधर आ जाता है। वो कहता है कि वो खुद ब्लैक बैजर है और ये जो बॉब है ये नकली है। उधर CIA के एजेंट्स भी आते हैं। गन फायरिंग होती है। बॉब का पार्टनर और कैल्विन इन दोनों में फाइटिंग होती है। जो पार्टनर है वो बोलता है कि वो खुद ब्लैक बैजर है और उसने बॉब को फंसाया और उसने खुद का झूठा मारने का नाटक किया, क्योंकि जो बॉब था उसको उसके पार्टनर के बारे में पता ही लगने वाला था कि वो ब्लैक बैजर है। इसके बाद बॉब अपने पार्टनर को मार देता है और जो कोड्स है वो अपने पास रख लेता है। CIA को पूरे सच का पता चल जाता है। CIA के एजेंट्स बॉब को माफी मांगते हैं और कैल्विन को भी। इसके बाद उन्हें एक हेलीकॉप्टर में कॉलेज के रियूनियन में भेज देते हैं। सारे दोस्त उन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस करते हैं कि उन्होंने देश को बचाया। कैल्विन को हमेशा से लगता था कि उसकी जो ज़िंदगी है वो कुछ बड़ा करने के लिए है, इसलिए फिर वो CIA को ज्वाइन करता है। इसके साथ फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैंने आपको ऊपर पोल दिया है, आप मुझे बताइए कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी। सो थैंक यू मूवी वन से वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। टाइटैनिक फिल्म की स्टोरी के लिए ऊपर वाली वीडियो क्लिक कीजिए और वेनम फिल्म की स्टोरी के लिए नीचे वाली वीडियो क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।